ड्यूरिंग दिस नवरात्रि, एंड हम एक एक चक्रा पे काम करेंगे, एक एक दिन के ऊपर, उस चक्रा के ऊपर. उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स एंड घर का क्लेंजिंग करेंगे एनर्जेटिकली. मेजरली ये फोकस है हमारा, मंत्रा चैंटिंग करके. ओके, सो यू ऑल आर रेडी. क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल. Inhale through the nose, exhale through the mouth. Inhale, exhale, inhale, exhale. Release all the stress, जितने भी अभी तक का है आपका stress. Release everything. Release. Visualize your foot. अपने फुट को देखिए, दोनों पांव के तलों को. इसके नीचे चक्रास होते हैं हमारे, जो ग्राउंड प्राणा से कनेक्टेड होते हैं. इनहेल, अपने फुट से इनहेल कीजिए. And visualize जो मदर अर्थ है, जो ग्रीन कलर का प्राणा है, उसको आप अपने लेग्स के थ्रू ले जाएं, अपने नीज में ले जाइए. मे योर नीज बी हील्ड, मे योर थाइस बी हील्ड, मे योर बेसिक मूलाधार चक्र बी हील्ड. एंड यहां से इनहेल and spread the energy throughout your body. Mooladhara chakra se hame ground prana milta hai, jo bahut zaruri hota hai hamare wishes ko pura karne ke liye, for manifestation power. Mooladhara chakra hame ghar, sampatti, sukh, suvidha, paisa sab deta hai. आज की जो देवी है वो शैल पुत्री है. शैल पुत्री की कहानी मोस्टली सभी को पता होगी, बट स्टिल आई विल रिपीट. ये लॉर्ड शिवा और पार्वती की कहानी थी. पार्वती थी ये पिछले जन्म में, और जब इनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया और इनको बुलाया नहीं अपने दामाद और बेटी को, तो सती को गुस्सा आ गया पार्वती को, और उन्होंने अपने आप को नष्ट करके, जो 10 महाविद्या बोलते हैं नवरात्रि में, उस 10 रूप में वो अपने आप को बिखर गई. उसके बाद वो जब अगले जन्म में जब शिव जी को पाना चाह रही थी, तो वो शैलपुत्री में जन्म हुई, जिसको हिमालय की बेटी भी बोलते हैं. तो हिमालय इज द प्रोटेक्टर, हमारा मदर अर्थ है हिमालय, विच इज कनेक्टेड टू योर बेसिक चक्र. बेसिक चक्र में क्या क्या ऑर्गन्स आ जाते हैं हमारे? एड्रीनल ग्लैंड आ जाते हैं, पूरा सर्कुलेटरी मूवमेंट आ जाता है इसमें. सर्कुलेटरी मूवमेंट मतलब हार्ट. हार्ट इज अ मसल जिसमें पूरा सर्कुलेशन होता है. अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी हम बेसिक को ही हील करेंगे. जो मैं अभी ये जो 9 दिन करा रही हूँ, ये आप किसी को भी हीलिंग भी दे सकते हो. अपने बेसिक के थ्रू आप किसी को भी कनेक्ट करके उनका बेसिक भी सही कर सकते हो, बिकॉज वी ऑल आर हीलर्स. एंड ये प्लेटफॉर्म जो है, आई थिंक सारे ही हीलर्स वाले प्लेटफॉर्म है, और मैं मेजरली सबको जानती हूँ जो रेगुलरली मेरे ग्रुप में आते हैं. सो वी विल डू सम हीलिंग आल्सो इन दिस. किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, वो भी बेसिक से करेंगे. BBM, बोन मसल एंड सर्कुलेटरी मूवमेंट, ये आता है आपका बेसिक से. सो बेसिक चक्र मतलब मूलाधार चक्र. पार्वती का दूसरा नाम मूलाधार,
मूलाधारैः निलयः, वो भी आता है। अगर आप लोगों ने ललिता सहस्रनामम पढ़ा है तो उसमें एक नाम आता है उनका, मूलाधारैः निलयः नमः करके डालते हैं। वो मूलाधार चक्रा में रहती है। वो मूलाधार चक्रा प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति मतलब पार्वती, मदर अर्थ, नेचर, और पुरुषार्थ का होता है हमारे क्राउन में, जो शिव जी को मानते हैं। तो जब ये प्रकृति पुरुषार्थ से मिलती है तो हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। बेसिकली जब बेसिक चक्र से एनर्जी निकल के आपके सेक्स के थ्रू क्राउन में जाएगा तो आपका कुंडलिनी एक एक करके, कुंडलिनी का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली सब कुछ सबको मिल जाए। कुंडलिनी हैज गॉट 49 लेयर्स, उसमें से किसको कितना लेयर अवेकनिंग है वो नहीं कोई बता सकता। सो जितनी हमारी क्षमता होगी उतनी ये नवरात्रि में हम उतना स्पिरिचुअल गेन करने की कोशिश करेंगे। सफेद रंग जो है हिमालय पर्वत का पूरा रंग है उसका, इसलिए माँ शैलपुत्री को आज हम इन्वोक करेंगे। और पहला जो 3 दिन होता है वो माँ दुर्गा का होता है, तो हम माँ दुर्गा का आवाहन भी करेंगे इसमें। लिखिए ऋतु, हो गया नोटेड, शैल वी स्टार्ट? ओके, इनहेल, एक्सेल, इनहेल द व्हाइट प्राणा, टेक डीप इनटू द बेसिक मूलाधार चक्र, रिलीज द व्हाइट प्राणा थ्रू द क्राउन। नाउ इमेजिन दिस व्हाइट कलर is changing into silverish color. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Let's invoke to Ma Shailputri, jo safed rang ki saadi pehen ke उनके वाहन में विराजमान है, जिनके हाथ में त्रिशूल है और उनके पास लोटस है व्हाइट कलर का। ओ शैलपुत्री नमः, ओ उनको अपने मूलाधार में बिठाइए। ओ शैलपुत्री नमः, ओ अब मूलाधार चक्र से इस कमल के जैसा जो फूल है आपका मूलाधार चक्र, इससे आप सिल्वर कलर की एनर्जी अपने स्पाइन के थ्रू ऊपर ले जाइए, ऊपर अपने पूरे स्पाइन में भर दीजिए इसको, स्प्रेड कीजिए अपने पूरे स्पाइन में। Now visualize हम सब की हीलिंग माँ अपने त्रिशूल से कर रही है। ओ
जितने भी हमारे स्पाइन में ब्लॉकेजेस हैं, जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, वो सब माँ अपने त्रिशूल से क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग दोनों ही कर रही है। नाउ विजुलाइज, ये जो एनर्जी है आपकी, आपके बैक हेड से ऊपर जाके क्राउन में मिल रहा है। नमः शिवाय। ओम ओम शैलपुत्री नमः। ओम आपके क्राउन में शिवार्थ और पार्वती दोनों का ही मिलन हो रहा है। आपका जो क्राउन है, जिसमें सहस्र चक्रा है, वो पूरे एक-एक पेटल को महसूस कीजिए। पूरा खोलिए अपने क्राउन को। नाउ विजुलाइज, वो जो चक्रा है वो पूरा सिल्वरिश वाइट कलर, ब्राइट सिल्वर कलर में भर रहा है। आपका पूरा जो बॉडी है, इट इज बिकमिंग ब्राइटर ब्राइटर एंड ब्राइटर। इंक्रीज योर ऑरा, अपने ऑरा को और बढ़ाइए। इसमें आपके फैमिली मेंबर्स को भी लीजिए। सारे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पति, आपके बच्चे, कोई और सास ससुर, सबको लीजिए इस ऑरा में और सबकी एनर्जी को क्लेंस कर दीजिए। एंड विजुअलाइज एवरीबडी टर्निंग इनटू सिल्वरिश वाइट लाइट। और अपने ऑरा को बढ़ाइए। एनवलप योर एंटायर हाउस विद दिस एनर्जी। विजुलाइज योर एंटायर हाउस इज गेटिंग क्लेंस्ड। माँ अपने त्रिशूल से आपके घर की जो भी एनर्जीज हैं, जो भी स्टक अप एनर्जीज हैं, जिस कारण भी पैसा फंसा हुआ है, उसको निकाल रही हैं। एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम इन योर हाउस, उसको निकाल रही हैं। एंड व्हाट एवर विश यू हैव, जो आपके घर में अभी तक हो नहीं पाया है, उसको इमेजिन कीजिए। एंड से इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन।